हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एन के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मशीन डिज़ाइन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए उसका टॉप ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा ये हमारा पार्ट वन है ठीक है तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिल्वर बेस्ड शोल्डर इज अड फॉर फ्लेयरिंग ब्रेजिंग सॉफ्ट सोल्डरिंग या फ्यूजन वेल्डिंग तो देखिए सोल्डर जो है वो बेसिकली किस में यूज होता है तो सोल्डर solder आपका सोल्डरिंग में यूज होता है तो यहाँ पे जो सिल्वर बेस सोल्डर है वो आपका सॉफ्ट सोल्डरिंग में यूज़ करते हैं पर बहुत सारा इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रेजिंग भी दिया है ब्रेजिंग में भी आपका सिल्वर जो है जो सिल्वर बेस सोल्डर होता है वो यूज़ होता है पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है अगले क्वेश्चन में चलते हैं ये देखिए सॉफ्ट सोल्डर का जो सोल्डरिंग प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम के रिपेयर करने के लिए वहाँ पे इस तरह का सोल्डर यूज होता है अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू है कि फॉर टाइट लीकेज ज्वाइंट फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड इज बेस्ट सूटेड अगर आपका लीकेज ज्वाइंट को अगर आपको टाइट करना है तो कौन सा आप थ्रेड यूज करेंगे मैट्रिक थ्रेड बटरेस थ्रेड स्क्वायर थ्रेड या एनपीटी यानी कि नेशनल पाइप थ्रेड तो टाइट लीकेज जॉइंट के लिए हम एनपी थ्रेड यूज करेंगे यानी कि नेशनल पाइप थ्रेड ठीक है अभी देखिए लीकेज जॉइंट का क्या होता है तो देखिए जैसे ये लीकेज जॉइंट है ना ये अलग अलग जॉइंट्स रहता है इन जॉइंट्स को लीकेज टेस्टिंग करने के लिए या लीकेज जॉइंट को करेक्ट करने के लिए हम एनपी थ्रेड यूज करते हैं कौन सा थ्रेड तो एनपी थ्रेड अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है कि इन ऑर्डर टू परमिट द थर्मल एक्सपांशन या कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ट्यूबिंग इट शुड बी क्रिम्प्ड हॉन्ड फ्लेड या बेंट तो क्या बोल रहा है कि थर्मल एक्सपांशन को या थर्मल कॉन्ट्रेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्यूब को क्या करते हैं तो ट्यूब को हम बेंट कर देते हैं बेंट मतलब क्या होता है 90 डिग्री में ऐसा बेंड करना ट्यूब को तो उसको क्या बोलते हैं बेंट बोलते हैं तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं कि द स्ट्रैप एंड ऑफ अ कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ स्टीम इंजन इज ज्वाइन बाई यानी कि जो स्ट्रैप एंड होता है आपका कनेक्टिंग रॉड का कनेक्टिंग रॉड जैसे आपका ये रॉड है ठीक है तो इसका दो इंड होता इस एंड होता है एक आपका स्ट्रैप एंड होता है एक आपका नॉन स्ट्रैप एंड होता है तो जो आपका स्ट्रैप एंड है वो आपका कैसे जॉइंट होता है गिब ऑफ क्वार्टर जॉइंट से स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट से या एस्पोग सॉकेट क्वार्टर जॉइंट से या नकल जॉइंट से तो आपका जो स्ट्रैप एंड होता है वो आपका गिब एंड क्वार्टर जॉइंट से कनेक्ट होता है तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ अ थर्ड टाइप लीवर इज फाउंड इन पेयर ऑफ टोंग हैंड व्हील ऑफ पंचिंग प्रेस लीवर ऑफ अ लोडेड सेफ्टी वॉल या हैंडल ऑफ अ हैंड पंप तो अपलीकेशन जो क्या बोल रहा है आपका तो थर्ड टाइप का लीवर जो होता है उसका अप्लीकेशन कहाँ पे है तो उसका अप्लीकेशन होता है आपका पेयर ऑफ टोंग्स पेयर मतलब दो का पेयर देखिए एक पेयर यहाँ पे है एक पेयर यहाँ पे मतलब एक नंबर ये दूसरा नंबर ठीक है तो दो का जो पेयर बनता है उसको पेयर बोलते हैं तो टोंग्स रहता है एक ये फर्स्ट टोंग है ये सेकेंड टोंग है तो पेयर ऑफ टोंग जो है वो आपका थर्ड टाइप लीवर में यूज़ होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि बैकिंग रिज बैकिंग रिंग इज़ यूज्ड इनसाइड द पाइप जॉइंट व्हेन मेकिंग अ बट वेल्ड फिलेट वेल्ड स्लीव वेल्ड या सॉकेट वेल्ड ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टफ भी है टफ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कम बुक में दिया हुआ है तो बैकिंग रिंग जो होता है आपका इन द पाइप जॉइंट में जो यूज़ होता है तो वो कब किया जाता है तो वो जब कभी भी हम बट वेल्डिंग करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं कि द सुटेबल मटेरियल फॉर बेल्ट इन एग्रीकल्चर मशीनरी क्या बोल रहा है एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे ये एग्रीकल्चर देख रहे हैं ना आप एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है खेती किसानी तो जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट यूज होता है या जो आप गेहूं चावल जो उगता है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके मशीनरी के लिए कौन सा बेल्ट यूज़ करते हैं जो बेल्ट यूज़ करते हैं उसका मटेरियल क्या रहता है लेदर रबर कॉटन डक या बेलाटा गम तो उसका बेल्ट का जो मटेरियल होता है वो आपका रबर होता है रबर इसलिए होता है क्योंकि रबर जो है आपका जो एग्रीकल्चर मटेरियल होता है उसके साथ में वो रिएक्टिव नहीं होता वो नॉन रिएक्टिव रबर यूज़ करते हैं लेदर जो रहेगा अगर लेदर यूज़ करेंगे लेदर के बेल्ट को तो लेदर का बेल्ट क्या करेगा तो आपका खाने के साथ में गेहूँ या चावल के साथ में छिपक जाएगा जो कि बाद में आपके हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान होगा इसीलिए आपका लेदर को कॉटन डक को और बेल्टा गम को यूज़ नहीं करते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट है कि द शेयर प्लेन इन केस ऑफ बोल्ट शुड बी बी एक्रॉस थ्रेडेड पोर्शन ऑफ शैंक बी पैरल टू एक्सिस ऑफ बोल्ट बी नॉर्मल टू थ्रेडेड पॉइंट ऑफ शैंक या नेवर बी अक्रॉस द थ्रेडेड पोर्शन तो द शियर प्लेन जो होता है इन केस ऑफ बोल्ट बोल्ट मतलब क्या है देखिए ये आपका बोल्ट इसका थ्रेड रहता है और ये इसका हेड रहता, इस रहता है ठीक है थ्रेड कुछ इस तरह रहता है नॉर्मल आपका बोल्ट का डिजाइन कुछ इस तरह रहता है तो इस बोल्ट को जो आपका शेयर प्लेन होता है वो कहां पे रहता है तो शेयर प्लेन आपका कभी भी नेवर बी अक्रॉस द थ्रेडेड पोर्शन तो थ्रेडेड पोर्शन के पास में आपका जो है वो आपका बोल्ट का जो शेयर प्लेन है वो नहीं आता शेयर प्लेन कहां पर आता है तो वो उसके बोल्ट के हेड के पास आता है यहां पर आएगा शेयर प्लेन ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइन है कि द एज ऑफ द प्लेट फॉर सिलेंड्रिकल वेजल आर यूजुअली बेविल टू एन एंगल ऑफ 80 डिग्री फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इजी ऑफ मैन्युफैक्चर सेफ्टी या फुलरिंग एंड कॉकिंग तो क्या है कि क्या बोल रहा है आपका बॉयलर का जो ए, बॉयलर का जो प्लेट्स होता है ये देखिए बॉयलर प्लेट्स है इसको जो बेवल करते हैं वो कितने डिग्री पे करते हैं तो एट्टी डिग्री पे करते हैं तो किसके लिए तो फॉर फुलरिंग एंड कॉकिंग के लिए तो डी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन में चलते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन में आमतौर पर लोग गलती क्या करते हैं बहुत से लोग या तो कॉटर ज्वाइंट करते हैं या बहुत से लोग नकल ज्वाइंट करते हैं इन दो में से ही एक करेक्ट आंसर है पर बहुत से लोग उल्टा कर देते हैं ठीक है तो इसको समझते हैं कि द पिस्टन रॉड ऑफ स्टीम इंजन इज यूजुअली कनेक्टेड टू द क्रॉस हेड बाय मींस ऑफ बोल्टेड जॉइंट नकल जॉइंट कॉटर जॉइंट या यूनिवर्सल जॉइंट तो बोल्टेड जॉइंट और यूनिवर्सल जॉइंट कोई टिक नहीं करता ठीक है आमतौर पर कंफ्यूजन होता है आपका नकल जॉइंट में और क्वार्टर जॉइंट में तो क्या बोल रहा है अगर आपको क्रॉस हेड बोले ठीक है तो जब कभी भी आपका क्रॉस हेड का बात करेगा तो क्रॉस हेड का मतलब है आपका क्वार्टर जॉइंट तो सी इज द करेक्ट आंसर अभी देखिए क्वार्टर जॉइंट कैसा होता है तो ये देखिए आपका क्वार्टर जॉइंट है ये आपका क्वार्टर पिन है और ये जब आपके शॉप के साथ में ऐसा मैच होता है तो इस ज्वाइंट को बोलते हैं क्वार्टर जॉइंट अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन है कि द रेशियो ऑफ एंड्योरेंस लिमिट इन शीयर टू द एंडोरेंस लिमिट इन फ्लेक्शर इज पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट टू फाइव पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फाइव फाइव तो रेशियो बोल रहा है रेशियो मतलब डिवाइड कर रहे हैं ठीक है तो डिवाइड करके ऊपर क्या लिखेंगे इंडोरेंस तो लिमिट नीचे लिखेंगे लिमिट लिमिट टू इन फ्लेक्सर में शेयर में ऊपर तो इसका जो रेशियो होता है वो था आपका पॉइंट फाइव फाइव जीरो पॉइंट फाइव फाइव तो डी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टोल में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप ज्वाइंट वुड बी सुटेबल फॉर पाइप कैरिंग स्टीम यह यहाँ पे जो आप पाइप्स देख रहे हैं एक दो तीन चार पाइप्स जो दिया है अगर आपके इस पाइप में से क्या क्या ट्रांसफर हो रहा है अगर आपका स्टीम जा रहा है तो वहां पे कौन सा जॉइंट यूज करेंगे फ्लेंज जॉइंट थ्रेडेड जॉइंट बेल एंड स्पाइगर्ड जॉइंट या एक्सपांशन जॉइंट तो स्टीम जा रहा है तो उसके इसमें क्या यूज करेंगे तो वहां पर हम एक्सपांशन जॉइंट यूज करेंगे तो डी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि वेन द बेल्ट स्पीड इंक्रीज अगर हम कन्वेयर बेल्ट है देखिए ये हमारा क्या है तो ये हमारा कन्वेयर बेल्ट है ठीक है ये पूरा जो सिस्टम है हमारा कन्वेयर बेल्ट है ये इसका मटेरियल है जो कि हम कैरी कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है कि अगर हम कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को इंक्रीज़ कर दें स्पीड काफ़ी फास्ट कर दें तो पावर ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा पावर ट्रांसमिशन कम हो जाएगा या पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज़ टू मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज या पावर ट्रांसमिटेड रिमेन्स द सेम तो देखिए कभी भी बेल्ट का स्पीड को आप बढ़ा देंगे तो पावर ट्रांसमिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है कि स्प्रिंग इंडेक्स इज रेशियो ऑफ क्वाइल डायमीटर टू वायर डायमीटर लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इट्स कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी या इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग तो जो स्प्रिंग इंडेक्स होता है वो क्या होता है तो देखिए स्प्रिंग इंडेक्स के केस में अगर आप निकालेंगे तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है तो वो रेशियो होता है किसका रेशियो होता है तो रेशियो ऑफ क्वाइल डायमीटर टू वायर डायमीटर ऊपर में आपका क्वाइल डायमीटर रहेगा नीचे आपका वायर डायमीटर रहेगा तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में चलते हैं कि द मेटल सुटेबल फॉर बियरिंग सब्जेक्टेड टू हैवी लोड यानी कि ऐसा बियरिंग जो कि आपका हैवी लोड के लिए यूज किया जाए वो कौन सा बियरिंग है वाइट मेटल सिलिकॉन ब्रॉन्ज मोनल मेटल या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज तो मेटल सुटेबल फॉर बेयरिंग सब्जेक्टेड टू हैवी लोड तो जब कभी भी हैवी लोड की बात होगी तो वहाँ पे जो हम बियरिंग यूज़ करेंगे वो रहेगा आपका वाइट मेटल और जब कभी भी हैवी लोड की जगह अगर आपका लाइट लोड रहेगा तो वहाँ पर कौन सा बियरिंग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम फॉस्फोरस ब्राउन्स यूज़ करेंगे अभी देखिए यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये कौन सा बेरिंग है तो ये बॉल बेरिंग है नॉर्मल बॉल बियरिंग है इसमें ये जो है आपका ये सारा सिस्टम जो है ये आपका बॉल्स है ठीक है और ये केज है बॉल्स और ये केज है केज क्या काम करता है तो ये बॉल जो है बराबर डिस्टेंस मेंटेन रहे वो चेक कौन करता है तो वो केज करता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है कि फॉर्म कॉफिशियंट ऑफ स्प्रिंग इज रेशियो ऑफ कॉयल डायमीटर टू वायर डायमीटर लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इट्स कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी या कंसर्न विद स्ट्रेंथ ऑफ वायर स्प्रिंग तो फॉर्म कॉफिशेंट ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो क्या होता है तो वो होता है आपका इट्स कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी यानी कि कोई भी स्प्रिंग कितना एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है वो उसका फॉर्म कॉफिशेंट ऑफ स्प्रिंग से पता चलता है तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में चलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग स्टिफनेस देखिए ये चारों डेफिनेशन जो आपका स्प्रिंग से मटेरियल स्प्रिंग रिलेटेड आता है वो चारों आपको पता होना चाहिए तो अभी बात करते हैं हम स्प्रिंग स्टिफनेस की तो स्प्रिंग स्टिफनेस क्या है रेशियो ऑफ कॉयल डायमीटर टू वायर डायमीटर लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इट्स कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी या इट्स एबिलिटी टू एब्सॉर्व शॉक तो स्प्रिंग स्टिफनेस जो है वो क्या होता है तो वो होता है आपका लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन तो बी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन में चलते हैं कि वेन अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज कंप्रेस अगर आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे ठीक है कंप्रेस मतलब दोनों अपोजिट अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो इट्स वायर इज सब्जेक्टेड टू तो उसका वायर क्या होगा टेंशन में आएगा शेयर में आएगा कंप्रेशन में आएगा ये ऑल ऑफ दिस तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो वायर होता है स्प्रिंग का वायर किसको बोलते हैं तो देखिए ये आपका पूरा स्प्रिंग है और यहाँ पे जो एक एक लाइन दिख रहा है ना ये इसको स्प्रिंग के वायर्स है जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये उसका उल्टा हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा तो ये इसका टेंशन में आ जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि जैसे आप इसके कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में चलते हैं कि विच इज़ पॉजिटिव ड्राइव देखिए ड्राइव दो तरह का होता है एक आपका पॉजिटिव ड्राइव एक आपका नेगेटिव ड्राइव तो बेसिकली क्या होता है पॉजिटिव ड्राइव वो ड्राइव होता है जो कि स्लिप नहीं करता जो कि नॉन स्लिप होता है ठीक है और आपका जो नॉन पॉजिटिव ड्राइव है या नेगेटिव ड्राइव है वो ड्राइव है जो कि आपका ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन स्लिप कर सकता है तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव स्लिप करता है वी बेल्ट ड्राइव ये भी स्लिप करता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव ये भी स्लिप करता है टाइमिंग बेल्ट टाइमिंग बेल्ट आपका स्लिप नहीं करता है तो ये क्या है तो ये आपका पॉजिटिव बेल्ट ड्राइव है पॉजिटिव ड्राइव है ठीक है तो डी इज़ द करेक्ट आंसर अगर यहाँ पर बेल्ट ड्राइव में दिया है अगर यहाँ पे और किसी की बात करें या बेल्ट ड्राइव हो गया रोप ड्राइव हो गया ड्राइव से बात करें तो आपको याद रखना है चैन ड्राइव हो गया ठीक है चैन ड्राइव हो गया या फिर आपका गियर ड्राइव हो गया ये सारे क्या है गियर का भी स्लिप करता है क्या नहीं करता है तो गियर ड्राइव जो है आपका पॉजिटिव ड्राइव के अंदर आता है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि इफ टू स्प्रिंग आर इन पैरलर आपके पास में दो स्प्रिंग है अगर आप उसको एक दूसरे के पैरलर रखेंगे तो देन दर ओवरऑल स्टिफनेस विल बी हाफ सेम डबल या ऑफ द अबव क्वेश्चन काफी टफ है मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का राइट right आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक